हेलो, गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। दिस इज उदय एंड यू आर वॉचिंग योर फेवरेट चैनल डिवोटेड क्लासेस। वंस मोर यू आर मोस्ट वेलकम इनटू योर फेवरेट चैनल। वंस मोर आई एम प्रेजेंट बिफोर यू विथ अनदर वीडियो दैट इज figures of speech. We have some more figure speech today we will discuss. एक बार प्रिय भाइयों बहनों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। मैं हूँ उदय और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल डिवोटेड क्लासेज। एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ आपके बीच में। figures of speech के अंतर्गत आज हम सीखेंगे कुछ और figure of speech, जहाँ पर यहाँ पर लिखा है पहला पन। पन क्या होता है? पन इज प्ले ऑन वर्ड्स। पन इज प्ले ऑन वर्ड्स, ये शब्दों का खेल है। कैसे? मीनिंग इफ देयर इज सिंगल वर्ड, मीनिंग वन वर्ड, एंड इट हैज मोर देन वन मीनिंग, इट इज कॉल्ड पन। जब किसी कविता में या किसी कविता की लाइन में कोई एक वर्ड आया हो, एक बार आया हो, और उसका मीनिंग या अर्थ एक से अधिक होता है, उसे कहते हैं आपका पन। क्लियर? इसको हिंदी के माध्यम से अगर वर्ड लेना चाहेंगे तो श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार सुना होगा। एक्चुअली पन इज व्हाट? पन इज अ प्ले ऑन वर्ड्स। When a word comes once but it has more than one meaning, more than one meaning, यहाँ लिख सकते हैं एट लीस्ट टू, कम से कम दो इसकी मीनिंग हो। एट लीस्ट टू, तो उसे कहते हैं पन। इट इज कॉल्ड पन। ओके, चलिए एग्जांपल लिखते हैं। व्हाट इज लाइफ? इट डिपेंड्स ऑन द लिवर। देखिए बहुत फेमस एग्जाम्पल है। पहले मीनिंग समझिए। पन इज ए प्ले ऑन वर्ड्स, शब्दों का खेल है। जब ए वर्ड मीन्स एक शब्द कम्स ऑन्स, एक बार आता है, बट इट हैज मोर देन वन मीनिंग, जबकि उसका अर्थ एक से अधिक होता है, कम से कम दो होता है, उसे कहते हैं पन। यहां देखिए एग्जाम्पल, व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है? जवाब दे रहा है इट डिपेंड्स ऑन द लिवर, ये लिवर पर निर्भर करता है। लिवर माने, यहाँ ध्यान दीजिए, लिवर वर्ड, लिवर माने दो अर्थ हुआ। एक तो लिवर मीन्स वन हू लिव्स, रहने वाला, रहने वाला, ठीक है। अर्थात जीवन क्या है? वो जीवन जीने वाले पर निर्भर करता है कि जीवन हमारा क्या है। मतलब ये हुआ हम किस तरह का जीवन पसंद करते हैं। कुछ लोग कहते हैं संघर्ष ही जीवन है, यानी संघर्ष उनके लिए जीवन हो गया, उनका विचार ये हो गया। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, जो है लव ही जीवन है, लव इज़ लाइफ, लाइफ इज़ लव, लाइफ इज़ लव, लव इज़ लाइफ कहते हैं कुछ लोग। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, गलत बात है। कुछ लोग कहते हैं लव इज़ ब्यूटी, सॉरी लाइफ इज़ ब्यूटी। कुछ लोग कहते हैं वाइफ इज़ लाइफ, सुना होगा आपने, नो लाइफ विदाउट वाइफ। इस तरह के लोग बहुत सारे अलग ढंग से लाइफ की परिभाषा देते हैं। तो जीने वाले के ऊपर निर्भर करता है ना। अगर हम जीवन को खुशी खुशी जीते हैं तो कहेंगे भाई जीवन क्या है, खुशी है, यानी जीवन क्या कहते हैं, सुख है, सुख प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य हो गया। अगर हम रो रो के जीते हैं, रो रो करके, तो कहेंगे नहीं नहीं दुख ही जीवन है। तो मतलब ये निकला कि जीवन क्या है,
रहने वाले पर निर्भर करता है किस तरह का जीवन वो रहना चाहता है। क्लियर, इसका अर्थ एक निकला, किसका? लिवर का। क्या अर्थ निकला? रहने वाला। दूसरा अर्थ क्या है? लिवर हमारे बॉडी में एक पार्ट है, ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, लिवर बोलते हैं उसको। और अगर हमारा लिवर अच्छा है, यानी वो अच्छे से कार्य करता है, तो हम स्वस्थ रहेंगे। क्लियर, कहने मतलब हमारा जो जीवन है, यानी हमारा स्वास्थ्य, वो लिवर का जो हमारा ऑर्गन ऑफ बॉडी है उस पर निर्भर करता है। अगर वो अच्छे से फंक्शन करेगा, कार्य करेगा, तो हम स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो व्यस्त हो जाएंगे, और जब व्यस्त होंगे तो मस्त हो जाएंगे। तो कहने मतलब ये हमारे लिवर जो हमारी बॉडी में है उस पर निर्भर करता है। मतलब क्या निकला? इस लिवर का दो अर्थ है, इस लिवर का दो अर्थ है, पहला रहने वाला, दूसरा लिवर यानी पार्ट ऑफ बॉडी हो गया। इसीलिए इस लिवर वर्ड में क्या हो गया? पानी। ठीक, दूसरा एग्जांपल, एन एम्बेसडर, ए एम बी ए एम्बेसडर, ए एम बी ए डबल एस ए डी ओ आर, इज ए पर्सन हु लाइज इन द फॉरेन या लाइज अब्रॉड, हु लाइज अब्रॉड, ए बी आर ओ ए डी। क्लियर, हु लाइज अब्रॉड। एम्बेसडर की प्रेफरेंस बता रहे हैं, एम्बेसडर वो भी इंसान होता है हु लाइज, जो लाइज का दो अर्थ निकला, अब्रॉड में विदेश में, विदेश में पहला अर्थ रहता है, हु लाइज अब्रॉड में जो वहाँ पर रहता है, ठीक, या विदेश में वो यात्रा करता है। दूसरा अर्थ निकलेगा लाइज माने झूठ बोलता है, लाइज माने लाइज, लाइज माने झूठ बोलता है, बोलना होता है ना, दूसरा अर्थ निकल रहा है। क्लियर, झूठ बोलना, जो विदेश में जाकर के झूठ बोलता है, यानी कि अपने देश के बारे में सारी जानकारी नहीं देता, उस देश की जानकारी लेता है। क्लियर, तो दो अर्थ निकला, एक लाइज माने वहाँ पर रहना, और दूसरा लाइज माने झूठ बोलना, यहाँ पर भी हो गया पान। तीसरा एग्जाम्पल, When a husband dies, a woman, W-A-M-A-N, a woman pines for a second. यहाँ देखिए, जब किसी औरत का पति मर जाता है तो जो औरत होती है पाइंस फॉर ए सेकेंड, यहाँ पर ये सेकेंड जो है इसमें इसका दो अर्थ छिपा हुआ है। जब एक औरत का पति मर गया तो जो औरत होती है या स्त्री होती है तो क्या करती हो? पाइंस फॉर ए सेकेंड, तो कुछ क्षण के लिए, सेकेंड माने क्षण, टाइम का एक अंश, वो पाइंस माने होता है पश्चाताप करती है, यानी रोती है, दुख प्रकट करती है। पहला अर्थ ये निकला, सेकेंड मतलब वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम। दूसरा अर्थ निकल रहा है, पाइंस फॉर ए सेकेंड, सेकेंड माने दूसरा, यानी वो मर गया तो गया काम से, अब हमें दूसरी शादी करनी चाहिए, इन दूसरे पति की तलाश होकर, पाइन माने यहाँ पर एक तरह तलाश करना अर्थ हो जाएगा, ठीक है, या दूसरे पति की तलाश हो करेगी। कहानी मतलब इस सेकेंड का अर्थ दो निकला, एक अर्थ निकला पार्ट ऑफ टाइम, और दूसरा अर्थ निकला दूसरा सेकेंड। क्लियर, कहानी मतलब सेकेंड वर्ड का दो अर्थ है, ओके, इसीलिए यहाँ पर क्या है? पन है। तो ये था आपका पन की परिभाषा और इसके तीन एग्जाम्पल। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, नोट डाउन एज फास्ट एज यू कैन। क्लियर, दिस इज व्हाट पन। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। आप आज मैंने आपको पन बताया, पन क्या होता है, इसको आपका होमवर्क है कि और ज़्यादा एग्जाम्पल आप अपने बुक से या
जो टीजीडी की तैयारी कर रहे होंगे वो और भी बुक्स हैं, डॉक्टर रंजीत सिंह की है, अरोरा साहब की हैं, और आनंद साहब की हैं। ओके, जो भी आपको अच्छी बुक हो उसमें से और भी एग्जाम्पल आप खोजें, उसको प्रैक्टिस करें। क्लियर, ये पन इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है, चाहे वो नेट की परीक्षा हो, चाहे वो आपका टीजीटी पीजीटी हो, केबीएस एनवीएस जूनियर इंग्लिश, और कोई भी कंपटीशन जो इंग्लिश रिलेटेड है, सबके लिए ये जो सेशन चल रहा है यानी फिगर ऑफ स्पीच का, वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। सब लोग इसको अच्छे से करें। यहाँ तक कि जो अकेडमिक क्लासेज हैं जहाँ पर 9th, 10th, 11th, 12th की बात आती है, सबसे भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। हर कंपटीशन में इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परीक्षा में भी, यानी 9th, 10th, 12th विशेषकर वहाँ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीए करने वाले जो भाई बहन हैं, एमए कर रहे हैं जो, उनके सिलेबस में तो ये रहता ही रहता है, उसके लिए उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ओके, इसलिए से आप अच्छे से नोट करें, अपना खुद का नोट बनाएं और अधिक से अधिक आप इसको प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। वन गुड न्यूज़ आई वुड लाइक टू शेयर, दैट आवर फैमिली, दैट इज डिवोटेड क्लासेस फैमिली, इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। इट हैज अचीव्ड एटलीस्ट 400 plus सब्सक्राइबर्स। द क्रेडिट दैट वी रीच दिस पोजिशन, ऑल क्रेडिट गोज टू ऑल ऑफ यू गाइज, दोज हु आर वॉचिंग माई वीडियोज, वेदर माई स्टूडेंट्स ऑफ सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरामपुर रामनगर और जय बजरंग, ओके, जय बजरंग पब्लिक स्कूल और कृष्णा और सिंगारी देवी और रामावध, एनी स्कूल स्टूडेंट हु वॉच माई वीडियोज, वेदर इन यूपी अम्बेडकर नगर रामनगर और इन दिल्ली और इन वाराणसी और इन अलाहाबाद और इन लखनऊ और ऑल ओवर द वर्ल्ड, वेर एवर यू आर वॉचिंग माई वीडियोज, द क्रेडिट ऑफ ग्रोइंग माई चैनल दैट इज मोर देन 400 सब्सक्राइबर्स गोज टू यू। सो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू गाइज हु आर ए पार्ट ऑफ द फैमिली दैट इज डिवोटेड क्लासेस। ओके, एंड स्टिल यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी, यू जस्ट सेंड इट थ्रू कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली। द कॉन्टैक्ट नंबर इज हियर 8953063755। ओके, एंड द बेस्ट थिंग इज यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। कितना भी अच्छा टीचर हो, यूट्यूबर हो, ऑनलाइन पढ़ाने वाले कोई भाई बहन हो, कितना भी अच्छा आपको पढ़ा रहे होंगे, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे, यानी अपने लिए समय अलग से नहीं निकालेंगे, तो सारा प्रयास व्यर्थ होगा। कितना बढ़िया आपका गुरु मिल जाए तो आपके लिए तो गुरु घंटाल साबित हो जाएगा, अगर आप उसको पढ़ेंगे नहीं, दोबारा उसको रिवीजन नहीं करेंगे, मंथन उस पर अलग से नहीं करेंगे, तो सब बेकार जाएगा। एक और अनुरोध, वीडियो को हमने देखा है, कई जो भाई बहन हैं वो शुरू से अंत तक नहीं देखते हैं, और गलतफहमी की वजह से हमने देखा है कुछ 2-1% भाई बहन हैं जो हमारे ही यूट्यूब पर, हमारे ही चैनल पर कुछ बैड कमेंट्स भेज दिए हैं। तो जो भी रहा हो कारण, हो सकता है हमसे अलग से उनको जलन होती हो, कोई दिक्कत नहीं, वो खुद जल जाएंगे, हम जलन करेंगे, लेकिन कारण बस हो सकता है कि उनके समझ में ना आया हो
अर्थात वो शुरू से अंत तक हमारी वीडियो ना देखे हों, इसलिए वो कमेंट ऐसा भेजे हैं। एनीवे ट्राई टू वॉच माय वीडियोस ए टू जेड, मीनिंग फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंडिंग, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड फुली एंड फाइनली व्हाट आई एम गोइंग टू एंड टीचिंग यू, व्हाट एवर आई एम टीचिंग यू, वॉच एवरीथिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू द वेरी एंड। इट्स माई गारंटी 100%, इट्स माई गारंटी यू विल लर्न 100%, यू विल लर्न। विशेषकर जो सेंट जेवियर्स के बच्चे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बराबर हर वीडियोज़ देख रहे हैं, कमेंट भी वो दे रहे हैं, क्योंकि इनके क्लास में भी सारी चीज़ें हैं तो वो हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं। कई बच्चे, अधिकांश बच्चे देख रहे हैं, दो एक बच्चे % नहीं देखते हैं, तो उनसे भी हमारा अनुरोध है कि वो भी हमारी वीडियोज़ को देखें। ये आपके स्टडी का एक अभिन्न अंग है, अभिन्न पार्ट है, क्योंकि क्लास में सारी चीज़ें हम उतना डिटेल में नहीं बता पाते और हमारे पास समय उतना नहीं रहता कि सब कुछ वहाँ डिटेल हम करें, लेकिन यहाँ हमारे पास समय पर्याप्त रहता है, हम किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से यहाँ पर डील करते हैं, उसको समझाते हैं। इसलिए हमारे वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें और उसको अपने लिए भी टाइम निकालें। पर वीडियो देखने के बाद, बस वीडियो देखना ही पर्याप्त नहीं है, आप अपना अलग से नोट्स बनाएं, उसको समय समय पर रिवीजन करते रहें। क्लियर? हमारे कई अच्छे बच्चे हैं, पहले में बेस्ट हैं अपने अपने क्लास में, विशेषकर हर क्लास में अच्छे अच्छे बच्चे मिलेंगे आप। क्लास 7th ए में शैल सिंह है, नितिन मौर्या क्लास 7th ए में हैं, उधर नंदिनी चौहान शायद 7th ए में हैं, सेंट जीवर के बच्चे, और इसी प्रकार से 9th ए में हैं। ओके, 9th ए में आपको प्रीति यादव, दिशा सिंह और आपका मितू मौर्या, ओके, एंड मनीषा, और बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छे हैं, बराबर वीडियो देख रहे हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी अच्छे कमेंट्स आए हुए हैं। 10th ए में सबसे पहला नाम आता है आस्था मिश्रा का, बराबर वीडियो हमारी देख रहे हैं और कमेंट अच्छा दे रहे हैं। एवरी डे दिस वॉच माई वीडियो, कीप नाइस कमेंट्स। आनंद, आनंद नाम का जो बच्चा है पढ़ने में सबसे तेज है हमारे 10th ए में, उसका भी कमेंट बराबर आता है, और जया मिश्रा का कमेंट आया हुआ है, और ये अच्छे कमेंट्स भेजते हैं और बराबर हमारे वीडियो को देखते हैं। ओके, और यश पी, यश इज ऑल्सो ए वेरी गुड बॉय, ही वॉचेज माई वीडियोज एंड ही ऑल्सो सेंड्स नाइस कमेंट्स। ओके, एनी वे कई बच्चे खाली वीडियो देखते हैं, कमेंट नहीं भेजते हैं, कोई बात नहीं, नहीं कमेंट भेजा है, भेज पाए कोई बात नहीं, कमेंट मत भेजिए, कम से कम वीडियो हमारी देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी को बदल देगी, आपके जीवन में सफलता आपके चरण चूमेगी। बस अब बराबर वीडियो देखते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। जिन बच्चों का नाम हमने नहीं लिया, क्योंकि अगर सबका नाम लेंगे तो कम से कम 2-4 घंटे तो खाली नाम लेने लग जाएंगे, तब भी पूरा नाम नहीं हो पाएगा, तो कहेंगे सर मेरा नाम नहीं लिए, वो कहेंगे सर मेरा नाम नहीं लिए, तो कहेंगे सर बहुत बेकार है, पार्सलिटी करते हैं। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, पार्सलिटी नहीं है, हमको सारा नाम याद भी नहीं है, जिनका नाम हमको याद है उनका हमने बोल दिया, तो आप उसको माइंड ना करें, आपका नाम भी जब हमको याद आएगा तो हम बोलेंगे। फाइन, सो 400 से ज़्यादा सब्सक्राइबर होने का श्रेय हमारे दर्शकों को जाता है। जितने हमारे दर्शक हैं, चाहे वो हमारे स्कूल के यानी सेंट जेवियर के हैं, या किसी अन्य भी स्कूल के हैं, या अन्य भाई बहन जो खाली इंग्लिश सीखना हमारा सीखना चाहते हैं, इंग्लिश का नॉलेज लेना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, चाहे हमारे स्कूल के नहीं भी हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, यानी सबको धन्यवाद। हमारे टीचर भाई भी हमारे वीडियो को देखते हैं, वे भी अच्छे से कमेंट भेज रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर जस्ट ग्रोइंग दिस चैनल मोर देन 400 सब्सक्राइबर्स। ओके, नाउ इट्स टाइम, इफ यू लाइक माई वीडियोज़,
सब्सक्राइब, ताकि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारी वीडियो आपको तुरंत मिले, नोटिफिकेशन मिले, सारी वीडियो आप देखें, इसलिए सब्सक्राइब करें. सो दैट्स इनफ फॉर टुडे. नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय. बट बिफोर से गुड बाय, आई वुड लाइक टू से अंटिल आई मेक और जस्ट अपलोड अनदर वीडियो, यू कीप ऑन स्माइलिंग, लाफिंग एंड एंजॉयिंग योर लाइफ टू द फुल एंड प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर. नेक्स्ट टाइम से बाय बाय, सी यू, टेक केयर.